अमीर बोनी बहू मेहंदी ब्लाउज वाली। सुबह के 10 बजे मनीषा बिस्तर पर लेटी होती है, तभी उसे कॉल आता है। हे भगवान, कौन है मनुज जो मुझे सुबह के वक्त कॉल कर रहा है? मनीषा नींद में फोन उठाती और चिल्लाते हुए कहती है, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? मैं वैभव हूँ, तुम्हें याद है ना, आज हमें मूवी देखने जाना है। वैभव की आवाज सुनते ही मनीषा नींद से जाग जाती है। अरे अरे वैभव, मुझे माफ कर दो, नींद के चलते मैं भूल ही गई थी कि आज हमारी पहली मीटिंग है। तुम बस रुको, मैं अभी आती हूँ। मनीषा कद में बौनी थी, जिसकी वजह से वो कभी भी लड़कों से नहीं मिलती थी। ये उसकी पहली डेट थी। हे भगवान, ये क्या, मेरा तो चेहरा बिल्कुल बकवास लग रहा है। ऐसा वो सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने टेबल के ऊपर मेहंदी की कुछ कीप रखी हुई नजर आती है। वैसे तो मेहंदी का रंग भी कई दिनों तक चढ़ा ही रहती, क्यों ना मैं मेहंदी से अपना परमानेंट मेकअप ही कर लूं? मनीषा ऐसा सोचकर मेहंदी की कीप को अपने होठों पर लगाना शुरू करती है। आज तो मैं परमानेंट मेकअप करके जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। मेहंदी लगाने से मनीषा को हल्की हल्की खुजली तो होती है, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होती, जिसके चलते जैसे ही वो मेहंदी हटाती है तो उसके होंठ लाल रंग के हो जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने बॉयफ्रेंड से पहली बार मिलने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो वैभव के सामने आती है, उसे देखते ही वैभव कहता है, अरे तुम कौन हो, क्या तुम मनीषा की छोटी बहन हो? नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वैभव, मैं मनीषा ही हूँ। ओह माय गॉड, क्या तुम इतनी छोटी हो? मुझे लगा था तुम्हारी हाइट ज्यादा नहीं तो 5 फुट तो होगी, लेकिन तुम तो 4 फुट हो, 4 फुट। और मेरी हाइट पता है 6 फुट से ऊपर है। अब बताओ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लायक हो? मनीषा का कद बहुत ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से वैभव उसे देखते ही जोरों से हंसने लगता है। जाओ जाकर पहले कॉम्प्लेन पियो, उसके बाद मेरे पास आना। मनीषा ये सुनकर चुप रह जाती है और उसका चेहरा भी उतर जाता है। वैभव ऐसा कहकर अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। हर बार की तरह इस बार भी मुझे एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है जो मेरी हाइट छोटी है? अरे हाइट छोटी है तो क्या हुआ, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है ना। रोती हुई मनीषा वापस अपने घर पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीते जाते हैं और अब उसके माता पिता को उसकी उम्र के अनुसार उसकी शादी की चिंता होने लगती है। हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, मैं तो कहता हूँ कि कोई लड़का ढूंढ कर जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर दो। कैसी बातें कर रहे हो, भला कोई भी लड़का आपकी बेटी से शादी ही क्यों करेगा? उसकी हाइट कितनी छोटी है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, पहले ही कई लोग उसे मना करके जा चुके हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग हार मान जाएंगे? सावित्री और दुर्गेश दोनों ही मनीषा के रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीषा अपने फोन में एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल करती है, जिसका नाम हैपन होता है। वाह, कमाल की बात है, इस ऐप के अंदर तो बड़े ही हैंडसम और स्मार्ट स्मार्ट लड़के हैं, पर पता नहीं ये लड़के मुझे पसंद करेंगे या नहीं। मनीषा डेटिंग ऐप चलाते चलाते एक लड़के से बात करने लगती है, जिसका नाम मुकुल होता है। मुकुल अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसकी बातें सुनकर मनीषा को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मुकुल वीडियो कॉल पर मनीषा से मिलने के लिए कहता है, मनीषा तुम बहुत सुंदर हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इतने दिन हो गए, हम कब मिलेंगे? तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ये सुनते ही मनीषा शांत रह जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वो मुकुल को वीडियो कॉल पर देखकर अपने मन ही मन सोचती है, मैं कद में तो बहुत छोटी हूँ और मेरी इतनी छोटी हाइट देखते ही मुकुल मुझे स्वीकारने से मना कर देगा, और अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मुकुल बोल पड़ता है, क्या हुआ मनीषा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमें अब मिलना चाहिए। मुकुल की ऐसी बातें सुनते ही मनीषा उससे बिना कुछ कहे ही वीडियो कॉल को कट कर देती है, जिसके बाद मुकुल को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ ही दिनों में सावित्री अपनी बेटी मनीषा के लिए एक रिश्ता ढूंढती है। बेटी देख, मैं चाहती हूँ कि तू इस बार ऊंची हील पहनकर मेहमानों के सामने आ, और सुन, आजकल तो प्लाजो वाले सूट चल रहे ना, उन्हें पहनना, इससे तुम्हारे पैर नहीं दिखेंगे और ना ही तुम्हारी हील दिखेगी। लेकिन माँ, इस तरह करना तो धोखा हो गया ना, अब हम किसी से धोखा देकर शादी तो नहीं कर सकते, तो फिर जिंदगी भर कुवारी ही नहीं बैठ सकती। मैं चाहती हूँ तेरे हाथों पर भी मेहंदी लगे, तू भी दुल्हन की तरह तैयार होकर मेरे घर से विदा हो जाए, क्या तुम मेरा ख्वाब पूरा नहीं करना चाहती? मनीषा सावित्री की बात सुनकर अपनी माँ को कुछ जवाब नहीं देती, जिसके चलते सावित्री लड़के और उसके परिवार वालों को घर पर बुला लेती है। अरे बहन जी, मेरी बेटी को ना सब कुछ आता है, देखना आपके घर की भाग दौड़ सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेगी मेरी बेटी। लेकिन आपकी बेटी है कहाँ, कहीं दिख नहीं रही, आप अपनी बेटी को तो बुलाइए।
सुजाता के कहने पर सावित्री अपनी बेटी को आवाज लगाने लगती है, वहीं मनीषा कमरे में बैठकर अपने आप से कहती है, मैं चाहती थी कि मेरे हाथों पर मेहंदी मेरे पसंद के पति की लगे, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि जब मेरी शादी हो तो मैं ब्लाउज वाली मेहंदी लगाऊं, लेकिन यहाँ तो पति ही मेरी पसंद का नहीं है। मेरे पसंद की मेहंदी की तो बहुत दूर की बात रही। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर मनीषा लंबी लंबी हील्स पहन लेती है और मेहमानों के सामने चली आती है। हील्स पहनने के बाद मनीषा की हाइट थोड़ी सी ठीक लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो गिर जाती है और सबको उसकी छोटी हाइट के बारे में पता चल जाता है, जिसके चलते सुजाता रिश्ते के लिए मना करके वहां से चली जाती है। तभी फोन की लोकेशन के हिसाब से मुकुल मनीषा से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? मुकुल का सारा ध्यान मनीषा पे होता है, उसकी छोटी हाइट के ऊपर उसका जरा भी ध्यान नहीं था। ये देख मनीषा को बहुत खुशी मिलती है और उसके अंदर का डर निकल जाता है। मुझे डर था कि तुम मुझे मेरी हाइट के चलते छोड़ दोगे, इसलिए मैं अपनी माँ की पसंद के लड़के को देखने लगी थी, लेकिन तुम्हें मेरी हाइट से कोई आपत्ति नहीं है, आज मुझे बहुत खुशी हुई। मुकुल मनीषा की बातों पर हंसने लगता है, जिसके बाद वो दुर्गेश और सावित्री से मनीषा का हाथ मांग लेता है। इसके बाद मनीषा अपने पार्लर वाली के पास जाती है और कहती है, मुझे मेरी कमर पर ब्लाउज वाली मेहंदी लगवानी है, बताइए आपका कितना चार्ज होगा? अरे वाह, लगता है तुम बहुत अमीर हो कि ब्लाउज वाली मेहंदी उतने में लगती है जितने में एक लड़की की शादी होती है। अगर तुम इतना पैसा देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे ब्लाउज वाली मेहंदी लगा दूंगी। करिश्मा के कहने पर पहले तो मनीषा सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसे अपना सपना पूरा करना था। वो अपने माता पिता के घर जाती है और उनसे शादी का सारा पैसा ले लेती है। आप लोगों को तो पता ही है मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है, कभी मैं पैरों पर लगाती हूँ तो कभी हाथों पर, और मेरा एक सपना था कि मैं अपनी शादी में ब्लाउज वाली मेहंदी लगाऊं, और उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। आप बेशक मेरी शादी मंदिर में कर देना, लेकिन मुझे ब्लाउज वाली मेहंदी लगवानी है। मनीषा की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती, जिसके बाद मनीषा ब्लाउज वाली मेहंदी के लिए सारे पैसे ले जाकर लगवा देती है। मेहंदी लगाने से लेकिन उसके पूरे शरीर पर इचिंग शुरू हो जाती है और उसे बहुत बड़ा इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी लाल पड़ जाती है। भगवान ये क्या हो रहा है, मुझे कल मेरी शादी है और मुझे ये इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खाल जल रही है, मेरी मदद करो। देखते ही देखते मनीषा का बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके चलते सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पूरी बॉडी पर इन्फेक्शन फैल गया है, मेहंदी की वजह से इलाज में पूरे 90 लाख रुपए लगेंगे। अरे जो पैसा हमारे पास था वो सारा तो मनीषा ने मेहंदी के ऊपर ही खर्च कर दिया, अब तो केवल हमारे पास हमारा मकान ही बचा है। मनीषा को ठीक करने के लिए दुर्गेश और सावित्री दोनों अपना मकान बेच देते हैं और सारा पैसा डॉक्टर को जमा करवा देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर मनीषा के इन्फेक्शन के लिए उसे थेरेपी देना शुरू करते हैं। थेरेपी के बाद मनीषा थोड़ा सा बेटर फील करती है। मेरा शौक ही मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था, आज के बाद मैं मेहंदी कभी नहीं लगाऊंगी। उस दिन के बाद से मनीषा मेहंदी का शौक हमेशा के लिए खत्म कर देती है। उसके मेहंदी के शौक की वजह से उसके अमीर माता पिता पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं और वो अब एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं मनीषा मुकुल से शादी करके उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अमायरा एक बहुत बड़े अमीर घर की लड़की थी, जिसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। वो हर फेस्टिवल पर, यहाँ तक कि होली पर भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाया करती थी। ऐसे ही सुनैना नाम की फ्रेंड की शादी थी, वो उसे दुल्हन की तरह रेडी करके ला ही रही थी कि दरवाजे से उसका कील में ब्लाउज फट जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, शादी शुरू होने में 10 मिनट है, अब मैं कैसे जाऊं? हमारा मेरा तो ब्लाउज फट गया, इस जोड़े के साथ दूसरा ब्लाउज भी नहीं चल सकता। फिकर मत कर, मैं हूं ना, मैं अब भी ठीक कर देती हूं, एक जुगाड़ है मेरे पास, अब ये मेहंदी ही काम आएगी तेरे। मेहंदी भला कैसे काम आ सकती है यार, तू सब्र तो कर, चुपचाप खड़ी हो। हमारा एक स्टेपलर पिन से उसके ब्लाउज को थोड़ा एडजस्ट कर देती है, जिससे वो बैकलेस हो जाता है और खाली जगह पर सुंदर सी मेहंदी बना देती है। और सुखाने के बाद वो कहती है, अरे देख सुनैना, तेरा बैक कितना अच्छा लग रहा है, नेट के दुपट्टे से पीछे का डिजाइन भी दिख रहा है और एक नया मेहंदी वाला ब्लाउज डिजाइन बन गया है। अरे हाँ यार, सच में तूने तो कमाल कर दिया, सब मेरी बहुत तारीफ करेंगे, सच में यू लुकिंग रियली ऑसम इन मेहंदी ब्लाउज। चल अब चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। फिर अमायरा अपनी सहेली को मंडप में ले जाती है, जहां सभी लोग उसके लहंगे और मेहंदी ब्लाउज को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। आफ्टर ऑल सुनैना बहुत बड़े अमीर खानदान की बहू जो बनने जा रही थी। फिर उनकी शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद अमायरा की मेहंदी उतर जाती है, तो वो अपने पार्लर वाली रूही के पास चली जाती है। अरे रूही, मेरी मेहंदी लगा दो, पता है ना तुम्हें मैं ऑर्गेनिक मेहंदी का यूज करती हूँ और सिर्फ तुम्हारे पास ही आती हूँ। हाँ दीदी, मुझे अब पता है, पर एक हफ्ते पहले ही तो आपने अपनी सहेली की शादी में मेहंदी लगवाई थी, अब दोबारा लगवा रही हैं।
रूही शायद तुम ये भूल गई हो, मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है और इसकी खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम पैसे लो ना, मेहंदी लगा दो बस अच्छी सी, मुझे अपने खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है आप बैठ जाइए। ये कहते ही रूही अमायरा के दोनों हाथों में मेहंदी लगा देती है जिसकी खुशबू सूंघ कर वो कहती है, वाओ इस बार तो तुमने और भी अच्छी लगाई रूही, मेरी शादी के बाद भी तुम ही लगाओगी। जरूर दीदी जरूर। रूही को पैसे देकर अमायरा अपने घर आ जाती है। उसके हाथों की मेहंदी देखकर अंकिता कहती है, अरे ये सब क्या है अमायरा, जब देखो तो तुम मेहंदी लगाती रहती हो। अरे घर के काम भी सीख लो, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है और लड़का बहुत पसंद है, बस वो थोड़े से मिडिल क्लास है। व्हाट मॉम, मैं इतने अमीर घराने की होकर एक मिडिल क्लास फैमिली में कैसे एडजस्ट करूंगी, वहां पर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो। मायरा तुम ये चीज मत देखो, ये देखो कि लड़का कितने अच्छे दिल का है, तुम्हें बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, शादी का सामान तो जाना ही है, बस तुम सबका ख्याल रखना। मैं वहां अपने तरीके से रहूंगी, ध्यान रहे मुझे किसी की रोका टोकी पसंद नहीं है, ये तो आप जानती है ना। हाँ ठीक है। मायरा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है जहाँ अपने हाथों पैरों पर वो बहुत ज्यादा मेहंदी लगवाती है। अरे मायरा बेटा तूने पूरी बाजू पूरे पैर तक मेहंदी लगवाई है, इतना भी क्या मेहंदी पसंद करना तेरे हाथ पैर ना दिखे। मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, शादी के बाद मेहंदी वाला ब्लाउज पहनूंगी, मतलब रूही से बैक पर मेहंदी का डिजाइन लगवाऊंगी। आपको मेरी फ्रेंड सुनैना तो याद है ना, मैंने उसकी शादी पर ये ट्राई किया था और काफी लोगों को पसंद आया। ये सब वहां नहीं चलेगा सुनैना, बड़े घर में जा रही थी वो कॉमन है, पर तेरे सास ससुर अलाउ नहीं करेंगे, मैंने तेरे साड़ी के ब्लाउज बनवा दिए, उन्हें बैग में रख दिए। नहीं माँ मैं मेहंदी वाला ब्लाउज ही पहनूंगी, दैट्स इट। ठीक है अब तू खुद भुगत लियो, मेहंदी लगाना सही नहीं है, इरिटेशन भी हो सकती है। अरे आंटी जी आप तो जानती हैं मैं ऑर्गेनिक मेहंदी लगाती हूँ, हमारी दीदी को कुछ नहीं होगा। तुमने तो मेरी बेटी को और शह दे रखी है, तुम्हारा काम तो चलता है मेहंदी से। दो दिन बाद अमायरा की ऋषभ से शादी हो जाती है, फिर सास कमला अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। बहू अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे वाह तुमने तो पूरे हाथ में मेहंदी लगवाई है, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहू, तू 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 नजर ना लगे। शुक्रिया माँ जी, कल सुबह एक लड़की आएगी, आप उसे मेरे कमरे में भेज देना। ठीक है बहू, जाओ जाकर आराम कर लो। भाभी मुझे नेक तो दीजिए वरना आपके कमरे में नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरी जैसी मेहंदी लगवानी है? हाँ भाभी। ठीक है नेक में मैं तुम्हें मेहंदी लगवा दूंगी। इसके बाद दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ ऋषभ उसके हाथ पैरों की मेहंदी को देखकर बहुत खुश होता है और उसके हाथ पर किस करता है, फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन 7 बजे मेहंदी वाली लड़की आ जाती है जो अमायरा के नहाने के बाद उसके बैग पर मेहंदी का डिजाइन लगाती है। ये देखकर ऋषभ उसे टोकता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती है। दीदी तैयार हो गया आपका मेहंदी ब्लाउज डिजाइन, आपके ससुराल वालों को शायद पसंद नहीं आएगा। उसकी टेंशन तुम मत लो रूही, ये लो तुम्हारे पैसे, हर 4 दिन बाद आ जाया करना ब्लाउज मेहंदी लगाने। फिर रूही के जाने के बाद नैना आती है। भाभी कितनी देर हो गई आपको, आ जाइए नीचे माँ बुला रही है, आपकी पहली रसोई है ना। एक मिनट भाभी आपका ब्लाउज का है, ये कैसे डिजाइन बनाया आपने, थोड़ी शर्म कीजिए, अभी आप माँ और पापा के सामने कैसे जाएंगी। अरे नैना परेशान मत हो, ये कुछ नहीं है, आजकल कॉमन है नया ट्रेंड मेहंदी ब्लाउज का, मैं तो ऐसे ही पहनूंगी। नैना मायरा को बहुत समझाती है लेकिन वो उसकी हर बात नजरअंदाज कर देती है और अपनी सास के सामने ऐसे ही चली जाती है। देखकर कमला भी हैरान हो जाती है। बहू ये ठीक नहीं है, कहीं तेरे निशान पड़ गए तो, और ससुर जी भी घर में है, थोड़ा लाज शर्म कर, माना कि तो अमीर घर से आई है पर मर्यादा में तो रहेगी ना। माँ जी मैं ऐसे ही रहूंगी, और जहाँ तक ससुर जी की बात है तो ये लीजिए मैंने पल्ला ढक लिया, ऐसे कर लूंगी जब वो आएंगे। और माँ जी मुझसे तरह तरह के पकवान नहीं बनेंगे, इसलिए मैं बस एक ही चीज बनाकर खिलाऊंगी। इसके बाद अमीर बहू पहले रसोई में पास्ता बनाकर खिला देती है। घर के सभी लोग अमायरा के ब्लाउज बैग डिजाइन को देखकर हैरान थे, वो कर भी क्या सकते थे, अमायरा अमीर घर से जो आई थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है, हर 4 दिन में रूही उसके ब्लाउज मेहंदी डिजाइन बनाती थी, एक दिन करवा चौथ था। उस दिन कमला उसे कहती है, अमायरा बहू तेरी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन वाली अभी तक नहीं आई, अच्छा है वैसे आज तुझे ये साड़ी और नॉर्मल ब्लाउज पहन लेना चाहिए, करवा चौथ का दिन है। नहीं माँ जी मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही तैयार हूँ, आज भी ऋषभ के लिए मैं पार्लर जा रही हूँ माँ जी। इतना कहते ही अमायरा पास वाली पार्लर में जाकर कहती है, सुनिए आज करवा चौथ है और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ, मेरे लिए इंस्टेंट मेहंदी लगा दीजिए जो बहुत अच्छी खिल जाए और अच्छा डिजाइन बनना, मेरे पति को अच्छा लगना चाहिए ब्लाउज डिजाइन। ये सुनकर पार्लर वाली अमायरा के वैसे ही डिजाइन बना देती है। जब वो घर पहुंचती है तो सारी औरतें देखकर कुछ ना कुछ बातें करती हैं और उसके मेहंदी ब्लाउज डिजाइन की तारीफ करती हैं।
वो जैसे ही चांद को देखकर अपने पति को देखती है तो उसके मेहंदी वाली जगह पर इरिटेशन और रेडनेस होने लगती है। हाथों से पूजा की थाली छूट जाती है और सब परेशान होते हैं। ऋषभ मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द सा हो रहा है इस मेहंदी से, कुछ करो ना, लगता है उसने ऑर्गेनिक नहीं लगाई जल्दबाजी के चक्कर में। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। बेटा तू बहू को चंदन और बर्फ लगा दे, वो ठीक हो जाएगी, जल्दी असर होगा। हाँ तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना सुनकर ऋषभ उसे कमरे में ले जाता है। फिर नैना अपने भाई को चंदन और ठंडी बर्फ देती है जो वो उसके बैग पर लगाता है। कुछ घंटों में उसे आराम हो जाता है। बहू अब तू ठीक है ना? देखा मायरा, कहा था तुझे कि आज ये सब रहने दे। अरे जब तक तेरी पार्लर वाली तुझे मेहंदी लगा रही थी अच्छा था, ऑर्गेनिक लगा रही थी, लेकिन केमिकल वाली से क्या हो गया? माँ जी मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया, अब मैं कभी भी ये सब नहीं करवाऊंगी, मेहंदी को सिर्फ हाथ पर ही लगाऊंगी। तुम भूखी होगी, सुबह से व्रत रखा है, ढीले कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा व्रत खुलवा देता हूँ। कुछ देर बाद ऋषभ अमायरा का करवा चौथ का व्रत खोलता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। सबक मिल जाने के बाद अमायरा ब्लाउज वाली मेहंदी को हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने ससुराल की जिम्मेदारी भी खुशी खुशी संभालने लगती है।